हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड राइट लर्न। मेरा नाम जय है और मैं आज इंग्लिश का चैप्टर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। NIOS बोर्ड सीरीज का ये लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो व्हाट लेजर मींस? इट मींस द फ्री टाइम विच यू कैन स्पेंड इन एन एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस। लेजर का मतलब होता है वो फुर्सत का समय या खाली समय जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ काम करते हो। तो व्हाट डू यू डू इन योर लेजर आवर्स, ये एक एक्टिविटी है, बुक में दिया हुआ है। मतलब आप अपने आप से आंसर ढूंढो कि आप क्या करते हो अपने खाली समय में। बुक पढ़ते हो, मूवी देखते हो, गेम खेलते हो, दोस्तों से मिलते हो, या वॉक पे जाते हो, या बहुत सारे काम है, या फिर सुंदरता, जो प्रकृति की सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करते हो। नाउ लेट अस रीड द पोएम। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है, वैसे आप पोएम पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, इंजॉय करोगे। टू बिगिन विथ, रीड द पोएम अलाउड टू एंजॉय विथ इट इट्स रिदम। ओके, तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये कैसी जिंदगी है जिसमें सिर्फ टेंशन और थकान भरी है, मतलब बिल्कुल हर चीज की फिक्र, चिंता और फिक्र से भरी जिंदगी। ये कैसी जिंदगी है जिसमें अगर जो प्रकृति की सुंदरता है उसको देखने का समय ही नहीं है, तो ये क्या जिंदगी है, बेकार जिंदगी है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द वॉज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज सिप्स और कॉज। किसी पेड़ के डाल के नीचे खड़े होकर प्रकृति की सुंदरता को देखने का हमारे पास वक्त नहीं है। हमसे ज़्यादा तो प्रकृति की सुंदरता का आनंद वह जानवर ले रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा वो गाय को या फिर भैंस, बकरे, जो भी होते हैं, वो खड़े होकर कई घंटों तक एक ही दिशा में प्रकृति को देखते रहते हैं। तो ये कुछ वैसा सा ही लाइन का मतलब है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स बी पास व्हेन वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन द ग्रास। जंगल से गुजरते वक्त हम कई बार बस अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं। हम जंगल से जब भी गुजरते हैं, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां दिखते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने व्यस्त समय से फुर्सत का समय निकाल के उसमें हम प्रकृति को नहीं देखते हैं कि वो कितनी सुंदर है। कई घटनाएं ऐसी होती है प्रकृति में जो मनमोहक होती है, जैसे गिलहरी का नट्स छुपाना, अपने खाने को, अपने भोजन को वो जो छुपाती है घास में, कई तरह के ऐसे ऐसे घटना होती है, तो उसे हम देखने का वक्त नहीं निकालते हैं। अगला है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिच दैट स्माइल हर आईज बिगैन। ये एक्चुअली नेचर को एक लड़की के रूप में पर्सोनिफाइड करके बताया गया है कि जब लड़की, जब कोई सुंदर लड़की नाचती है, तो जैसे उसके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, जैसे उसके बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट होते हैं डांस के वक्त, नाचने के वक्त, उसी तरह से प्रकृति भी अपना रूप बदलती है। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं कि हम उसके बदलते हुए स्वरूप को, बदलते हुए रूप को देख के एडमायर नहीं करते उस चेंज को। मूवमेंट ऑफ, जो चेंज मूवमेंट ऑफ नेचर होता है, उसको हम एडमायर नहीं करते हैं। प्रकृति में बहुत तरह के बदलाव आते हैं, जैसे ऋतु के रूप में बदलाव आते हैं, पेड़ पौधे पतझड़ में गिर जाते हैं स्प्रिंग में, और फिर जब वो पेड़ पौधे पत्तियां उगती हैं, फूल उसमें वापस फूल आते हैं, तो इस तरह के चेंज को हम एडमायर नहीं करते, मतलब उसको एंजॉय नहीं करते देख के। तो इन दोनों लाइन का मतलब यही है। उसके बाद आखिरी लाइन है, ए पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अगर हमारे पास प्रकृति को देखने का, प्रकृति के सुंदरता को देखने का, एंजॉय करने का वक्त नहीं है, तो ऐसी जिंदगी बेकार है जिसमें सिर्फ टेंशन और थकान भरी जिंदगी, जो हर वक्त चिंता और फिक्र वाली जिंदगी है, तो ये जिंदगी बेकार है। तो चलिए अभी हम इंटेक्स क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड केयर इन द फर्स्ट लाइन। यहाँ केयर का मतलब है कि फिक्र, चिंता, मतलब अपने काम के लिए टेंशन, चिंता, इस तरह का मतलब है इसका।
What does the poet means the phrase stand and stare? Pick out the correct answer from their three alternative given below. तो इसका मतलब है, इसका आंसर होगा स्टैंड एंड स्टेयर का ये, लुकिंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड एंजॉयिंग देम. और तीसरा है, व्हाट इज इट दैट शिप्स एंड काउज डू फॉर विच वी हैव नो टाइम. तो ये प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है. स्टैंड एंड स्टेयर एंड वॉचिंग नेचर, कुछ ऐसा सा होगा. वैसे तो इसका सारा आंसर भी शायद दिया हुआ है इसमें, तो आप इसमें से देख लेना. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एनआईएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं. और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेगी. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.